बुकलेट सीरीज सी है, पीजीटी फिजिक्स, जिसका एग्ज़ाम जो है 17 अगस्त को हुआ है 2021। तो उसमें इस सीरीज के जितने क्वेश्चंस हुए हैं पिछले वीडियो में आपने सॉल्व कर लिया था, अब आप आगे देखेंगे जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः क्वेश्चंस जो डायरेक्ट हैं उनको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देकर क्लियर कर रहे हैं, बाकी आप उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बताए गए थे, शायद क्वेश्चन नंबर 23 छूट गया था पिछले लेक्चर में, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और ये है सीरीज सी, जो सीरीज है सी पीजीटी फिजिक्स। एग्जामिनेशन डेट 17 अगस्त। तो इसमें जो आपको सॉल्व कराया गया है उसको आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये मून का कोई सरफेस है, दिया गया है मून, इसमें कोई टू पॉइंट्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कोई टू पॉइंट है मून पर और इनका कोई सेपरेशन है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, इनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आप आर सरफेस से। तो इस तरह से ये कोई एंगुलर पोजीशन ऑब्जेक्ट द्वारा प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, जिसे आप अल्फा से शो कर सकते हैं, और इसका सेपरेशन यहाँ तक दिखा दीजिए। इसे आप एक्स मान लें, इसे आप आर मान लें, और इधर जो है आपको दिया गया है डायमीटर ऑफ एपर्चर, रिजॉल्व बाय 500 सेंटीमीटर टेलीस्कोप एपर्चर। तो इस तरह से यहाँ पर कोई एपर्चर है, आप ले सकते हैं, या एपर्चर को कितने डिस्टेंस पर रिजॉल्व किया जा रहा है। तो आई लेंस एपर्चर आप यहाँ रख कर भी समझ सकते हैं, और कितने डिस्टेंस पर रिजॉल्व किया जा रहा है ये आप दिखा सकते हैं। इमेज इसको आप बीटा मान लीजिए, और यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर लेकर, और ये जो रिजॉल्व किया जा रहा है लोएस्ट डिस्टेंस डी, जिसको 25 सेंटीमीटर कहते हैं, वो आप लिख सकते हैं, या रिजॉल्विंग एंगल टेलीस्कोप का आप यहाँ से लेकर सॉल्व कर सकते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये आपको बताया जाता है। लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप आपको बताया जाता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। और यहाँ से अल्फा आप यूज कर सकते हैं आर का पान रेडियस, क्योंकि बहुत दूर है, मून की बात हो रही है, तो ये आर के रूप में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आर का पान रेडियस या एक्स अपान आर, ये यूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो फॉर्मेशन है अल्फा नियरली इक्वल टू बीटा, इस तरह से जो एंगुलर पोजीशन है ये अल्फा नियरली इक्वल टू बीटा ये है। तो अल्फा की कोई वैल्यू आपने लिखा है एक्स बाई आर, और बीटा आपने लिखा है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ऐसे देख सकते हैं। तो सेपरेशन कितनी, टू पॉइंट। एक्स क्या है तो यहाँ नोट कर लीजिएगा कि मून पर उपस्थित दो बिंदुओं के बीच, जो ये निकटतम बिंदु है उनके बीच की दूरी, जिसे आप टेलीस्कोप द्वारा रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब अलग अलग उनको देख सकते हैं, ये पास पास हैं लेकिन रिजॉल्व करके अलग अलग देख सकते हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी, और ये मून से
यहाँ पर हर सरफेस का वह पॉइंट जहाँ पर एंगल कांटेक्ट का आप दिखा रहे हैं, ये डिस्टेंस स्मॉलर लिया गया है। इस तरह से एक्स का कोई मान होगा तो 1.22 लैम्डा इंटू आर अपॉन डी। सभी मान आपको दिए गए हैं, इसमें लैम्डा भी दे रखा है, 5500 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। और आर भी दिया है 4 × 10⁸ मीटर, किलोमीटर में है तो कन्वर्ट कर लीजिए, 5 दिया है मीटर में। और एपर्चर का जो साइज है वो भी दिया है 500 सेंटीमीटर, इसको सबकी यूनिट कन्वर्ट करके एक स्टैंडर्ड मीटर में ले लीजिए। तो एक्स का कोई मान आपको प्राप्त होगा और वो शायद 53.6 आ रहा है, 53.6 मीटर, ये आप सॉल्व कर लें। लेमडा भी दिए हैं, आर दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, और ये डायमीटर आप न्यूमेरिकल एपर्चर, हालांकि यहाँ से आपको सॉल्व करना है, यहाँ से कोई पार्ट नहीं दिया है स्पष्ट। यहाँ पर आप ये लिमिट्स ऑफ रिजोल्यूशन याद कर लीजिए, लिमिट्स ऑफ रिजोल्यूशन आप टेलीस्कोप जो एंगल को रिजॉल्व करता है, तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी, डी डायमीटर ऑफ एपर्चर, तो यहाँ से डायमीटर ऑफ एपर्चर वगैरह जो दिया है रखकर सॉल्व कर लीजिए, तो ये मान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि ये लेंथी है, आप इस पर इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके और क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो जहाँ कैलकुलेशन लगे कि हाँ हमें ज़्यादा करना है, तो आपको आते हुए क्वेश्चन को भी बाद में रखना चाहिए कि ठीक है इसको बाद में रखें और समय मिले तो आप इनको सॉल्व करें, तो ये करना चाहिए। तो इधर से अब जितने क्वेश्चंस हो गए हों, ये लगभग 33 हो गए हैं, 34 भी हुआ है, 36 ये भी हो गया है, 37, 38, 39 भी हुआ है, 40 ये भी हुआ है, 41, 42 भी हुआ है, 43, 44। तो इस तरह से देखिए कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे कि 43, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि आपको ज़्यादा टाइम देखे ना, तो आपको लेफ्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, फिलहाल हमें तो बताना है तो हम आपको समय दे सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अ कार मूविंग विथ स्पीड, मान लीजिए कार है, इसकी स्पीड आपको दे दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोचिंग टूवर्ड्स अ फैक्ट्री, इधर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, इस तरह से उधर ये बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। अब आपको ये दिया जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है हॉर्न की जो प्रोड्यूस किया जा रहा है कार की, उसमें 500 हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी बता दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, साउंड की स्पीड वो 340 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ इसको सोर्स कर लीजिए, ये स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा। अब चूंकि ड्राइवर के लिए नाम ले रहा है, तो जो ड्राइवर की स्पीड है ऑब्जर्वर की, वो वही स्पीड आप सोर्स की होगी, तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जर्वर की स्पीड हो गई, सोर्स की हो गई, साउंड की हो गई, रियल फ्रिक्वेंसी हो गया। वो तो कह रहा है कि जब ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो ड्राइवर द्वारा सुने जाने वाली आवाज़ से आ जाती है, तो आपको अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व बाई ड्राइवर ये बताना है, आभासी आवृत्ति कितना होगा। तो यहाँ समस्या ये है कि आभासी, क्योंकि वो उसी में बैठा हुआ है, जैसे आप एक कार का कोई पोजीशन ले रहे हैं और ड्राइवर उसी में बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि हॉर्न बजाएगा तो पहले वो डायरेक्ट रियल फ्रिक्वेंसी सुनेगा, और आभासी तो तब होगा जब इधर से कोई रिफ्लेक्टर आएगा, अगर फैक्ट्री से टकरा कर आवाज़ वापस आती है तो वो आभासी या अपरेंट कहा जाता है, आभासी। तो अगर आभासी निकालना है तो आपको ये मानना होगा कि फैक्ट्री जो है रिफ्लेक्टर की तरह है, परावर्तक की तरह है, तो परावर्तक इको का जो केस होता है उस तरह से लिया जाता है, जैसे रिफ्लेक्टर अगर आपने बना दिया है
तो जो सोर्स है उसका एक इमेज आप इधर ले लेते हैं, कार का एक इमेज यहाँ ले लेते हैं और स्पीड को इधर से दिखा देते हैं, ये साउंड आप कहेंगे कि इधर से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे भी, और फिलहाल ऑब्जर्वर को आप वहीं रहने देते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्टर सुन रहा है। अब यहाँ समस्या है कि ये भी इसी में है, अगर आप याद रख कर सॉल्व करते हैं जैसे कि आवासीय आवृत्ति, तो इसके प्रोसेस होते हैं कि जो ये एरो देखे, साउंड का डायरेक्शन हमेशा ऑब्जर्वर की ओर होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ दिखाया जाएगा। तो अगर रिफ्लेक्टर ऑब्जर्व करता है तो इसका एरो इधर होगा और इसका इमेज रिफ्लेक्टर का आप प्लेन मिरर की तरह दिखाते हैं, तो अगर ये पास आ रहा है तो इसका इमेज इधर से पास आते हुए दिखाया जाएगा, इसलिए इसको इधर उधर से देना है। अब चूंकि ऑब्जर्व कर रहा है रिफ्लेक्टर को, तो ऑब्जर्वर को इधर ही रखना होगा, ये आभासी हो गया क्योंकि ये रियल है, ये अपरेंट है। तो इस तरह से हमने ड्राइवर की जो वेलोसिटी है उसको इधर रख कर समझाया। अब ये अपोजिट है तो प्लस होगा, ये सिमिलर है तो माइनस होगा, अर्थात एन डैश इक्वल टू एन बी। अब देखिए इसमें ये ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो गया और ये सिमिलर है माइनस हो गया, इस तरह से आप इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 340 दिया हुआ है और ये शायद 30 दिया है, 340 माइनस 30, लेकिन इसकी समस्या है कि आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है। तो अब समस्या यही है कि जब मैच नहीं हो रहा तो आप क्या ठीक करेंगे, और रिफ्लेक्टर लेंगे तो फिगर यही होगा, और आपने इसको इसमें बैठा दिया जैसा कि ये कार में ही है, तो फिर आपका वही रियल रियल पोजीशन हो जाएगा जो अपरेंट रियल हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन रिफ्लेक्टर का बनेगा नहीं क्योंकि उसमें जहाँ पर रियल है उसको यहाँ दिखाएंगे, रिफ्लेक्टर की पोजीशन वहाँ दिखाएंगे। वैसे कोई अपने से पोजीशन चेंज करेंगे माइनस प्लस तो भी कोई आंसर साझा है नहीं इसमें। तो एक ही पॉइंट है कि हम इसको जो ऑब्जर्व कर रहा है वो फैक्ट्री से कोई रिफ्लेक्टर आ नहीं रहा है, जैसा कि इको के लिए कुछ कंडीशन होता है वो फैक्ट्री फॉलो नहीं कर रही होगी, तो ये डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो जो अपरेंट है वही रियल है, अर्थात ये 500 होगा। फिलहाल हम इसको अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, आप जो भी है इसको सॉल्व करके अपने हिसाब से देख सकते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में कोई आंसर नहीं आ रहा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 तो देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक के लिए प्रवाहित होती है, तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे आई इक्वल टू क्यू बाई टी या एन ई बाई टी। तो एन बाई टी आप आसानी से आई अपॉन ई रखिए, जो सॉल्व आता हो देख लीजिए, आई आपको दिया है 20 माइक्रो एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कह रहा है तो ठीक उधर दे लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आई टी इंटू टी इसमें रखकर ये सॉल्व कर लीजिए ऐसे ही। तो आई ई इंटू टी सब रखिए, जो भी मान दिया है 20 10 की पावर -6 और टी 30 सेकेंड, ई आप जानते हैं 1.6 10 की पावर -19, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें ए आंसर फर्स्ट आंसर आ रहा है ए, जिसमें है 3 7 5 10 की पावर 13, या आप सॉल्व करके देख लीजिएगा जो आंसर आ रहा होगा फिर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 तो ये था, ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए, जैसे देखें तुरंत आप इनको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये लेंदी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अगर आप करते हैं तो फिर आपका पेपर खराब होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 25% 5 वर्ष में क्षय हो जाता है, तो इसमें परसेंटेज मात्रा जैसे आप ये लेते हैं आवेशित और वेशित मात्रा में, तो वेशित मात्रा वो दिया हुआ है, आवेशित मात्रा का आप ये रिलेशन लिखते हैं ऐसे, इस तरह से ये लिखते हैं। वैसे आपको ये रिलेशन लिख कर दिया जाता है एन इक्वल टू एम नॉट ई की पावर -λT, न्यूटन का ये कुल समय भी दिया है इसमें, तो
रिटर्न का कुल समय आपको यहाँ पर 5 ईयर दिया था, ऐसे 5 ईयर दिया है, और कितना आवेक्षित रहता है, और लेमडा को आप जानते ही हैं, स्क्वाट आकर 0.6932/t, t को हम t हाफ कह रहे हैं, ऐसे आधाई हाफ लाइफ ये कहा जा रहा है। तो इसको हटा के रख सकते हैं या ऐसे रहने दीजिए। तो इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो e की पावर -λt, या जब आप इसे रिवर्स कर लें तो n नॉट बाई n e की पावर λt, तो आपके एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, λt इक्वल टू log n नॉट बाई n, ये फर्स्ट इक्वेशन ये मिलेगा। इसमें हम इसको कांस्टेंट रहने देंगे, चाहे तो आप टी यहाँ के टर्म में लिखिए, चाहे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। टी की वैल्यू आपको एक बार T1 और N1 यहाँ पर मालूम है। N1 जो है 75% लेफ्ट होगा, क्योंकि 25% जो है वो डिके कर रहा है, क्षय कर रहा है, तो जो बचा हुआ है वो 75% N1 हो गया। और T1 आपको दे दिया गया है 5 ईयर यहाँ पर, T1 N1। दूसरा इक्वेशन देखिए, लैम्डा T2 लॉग ई बी सी पर है, तो लॉग एन नॉट बी सी बाई N2। N2 आपको डिफाइन करना है, T2 आपको दे दिया है, तो T2 है यहाँ पर 20 ईयर्स, इस तरह से 20 ईयर। तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इसमें N2 अनोन है, N1 भी आपको मालूम है, N0 क्या कैंसिल हो जाएगा, या हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर दे रहे हैं, ऊपर आप देख लीजिए, थोड़ा हेल्प आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए नहीं है, और भी शॉर्ट में भी है तो भी उसमें समय लग रहा है, और भी विधि है, हमने देखा है इसको। तो लेमडा T1 यहाँ पर है लॉग इंटीग्रल लॉग, तो N0, और ये आपको लेना है 75% है, तो 100 ऊपर कर दीजिए, N0 कैंसिल है, तो 3/4। तो इस तरह से अब आपको ये मिल गया लॉग 3/4 बेसिस, ये प्राप्त हुआ। अब दूसरे में लेमडा T2 जिसमें है लॉग यहाँ से N0 बाई N2 बेसिस, T2 भी मालूम है, बेसिस डिवाइड करेंगे, N0 चूंकि परसेंटेज में, तो इनिशियल आप 100 मान सकते हैं, और रिजॉल्व करते समय इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो N2 अभी भी जब लेंगे तो एंट्री लॉग की आवश्यकता पड़ेगी। तो समस्या है, ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व नहीं होते हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब आप इसका जब रेशियो लेंगे तो यहाँ से T1 T2 भी मालूम है, N0 का फंक्शन, अगर इसको ब्रेक ना करें तो ये नहीं सॉल्व होगा, ब्रेक कर दिए तो N0 अलग से वैल्यू रखना होगा, या N0/N2 करिए, लास्ट में रखिएगा, इनका रेशियो लीजिए, सब सॉल्व करिए। तो एक हमने क्लियर आगे सॉल्व भी नहीं किया, लेकिन एक इसका रेंज है कि 5 और 10 के बीच आ सकता है, तो क्योंकि 5 भी दे दिया, 10 भी दिया, तो इसका आंसर हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। आप इनको सॉल्व करके N2 का मान निकाल लीजिए, जो आए वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो फिर लेंदी, अगर आप और भी प्रोसेस लेते हैं तो भी प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें कि n=n0^n, तो ऑर्डर आप इसमें लेकर करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम होगा, जो बचा हुआ है 75% है, तो ये प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये जल्द सॉल्व नहीं होगा बिना लागू वगैरह का। एन ऑर्डर 3/4 1/2 की पावर n, यहाँ से तो यहाँ फिर वही लाग की बात आ जाएगी, नहीं तो अगर ये सॉल्व होता तो आप यहाँ से t=n(t½) इसका यूज कर लेते हैं, और जब t½ आ जाता तो आप फिर ये सॉल्व कर लेते हैं, t½ आने पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं कि फर्स्ट t½ में इतना है, सेकंड में तो कितने t½ में वो क्या लीकेज होगा, तो ये भी लाग पड़ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो फिलहाल इसको जो लिखे हैं उसी से सॉल्व करिए, और आपके पास टेबल होंगे, देखकर आप उनका मान रख कर सॉल्व कर लेंगे। यही ध्यान देना होता है एग्जाम में कि आप किसको टेस्ट करें किसको ना, है।
क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन छूटना तय है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीधे हैं। जैसे इसी पेपर में हम आपको बता दें, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप देखिए और सॉल्व कर लें। तो आप जब लगातार देख रहे होंगे पेपर तो नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चंस इस तरह से हैं। तो सिर्फ जब भी सॉल्व करें बस उनको देखते जाइए, जो आप सॉल्व कर सकते हैं करते जाएँ। जब आप 40-50 ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो बाकी जो गेस भी करेंगे वो सही आते हैं। तो 46 इसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब बाई, तो आप पढ़ रहे हैं इसमें द्रवों के प्रवाह में, जब किसी पर नालिका में आदर्श द्रव का धारा रेखीय प्रवाह की जाती है, तो पर नालिका के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक आयतन के लिए किसी बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा का कुल योग नियत होता है। तो इसमें वो वर्ड आ रहा है असंपेदित और स्यानहीन द्रव की धारा रेखीय प्रवाह, तो इसमें बर्नौली सिद्धांत का प्रयोग भी आ रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। तो 46 का डी। 47, तो ये ऐसे क्वेश्चन ट्रायल आपको करने चाहिए। जैसे 47 तो इसमें आपको दे दिया है तीव्रताओं का अनुपात, इसमें दे रखा है I1 I2, इसमें 100/1 है तीव्रताओं का अनुपात, तो उनमें उच्चतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो इसमें I max और I min का अनुपात क्या होगा, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो आप लोग ये रीड कर चुके हैं इस तरह के मान, जैसे कि √I1 + √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, या के वाले में के A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन के A1 - A2 का होल स्क्वायर, ऐसे आपने रीड किया है। एक उपाय यह है कि आप यहाँ से देखिए ऐसे कि आप इनका A1 / A2 निकाल लीजिए, A1 / A2 रूट करके ऐसे, तो इसमें 10/1 आ गया। 10/1 का आप यहाँ रख कर I max I min देख सकते हैं, ये तो रेशियो कैंसिल हो जाता है I max I min। तो ये रेशियो का वैल्यूएशन, जैसे A1 आपका 10K हो गया और A2 आपका ये हो गया, तो इस तरह से रखकर आप देखेंगे तो ये ऊपर प्लस में आ रहा है तो 121, और ये माइनस में आ जाएगा तो 10 - 1 9, तो स्क्वायर है 81, तो ये रेशियो आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहते हैं, सॉल्व करना ही चाहिए। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले सब याद रखते हैं तो इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे रेशियो में आपको सीधे यहाँ वैल्यू रखना चाहिए। जो मान दिया होता है रूट ले लीजिए और 10 और 1 आया, 10 1 ऐड कर दीजिए, माइनस करके उसका, अर्थात बिना लिखे इनको सॉल्व करना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप मिला लीजिए, तो लगभग 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बिना अलग से सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 46 से ही है आप जानते हैं, तो डायरेक्ट कर दीजिए, ऐसे ही था और भी है कि आप उनको डायरेक्ट देख सकते हैं। 48 सीरीज सी है, ये बार बार हम नाम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूट भी रहा होगा तो देख लेंगे। तो यंग मॉडुलस और आपको दिया गया है डेल्टा गुणांक, कल ही शायद ये डिस्कशन में आ रहा था पॉइसन रेशियो के टर्म में, तो आपको पॉइसन रेशियो का मान बताना है। तो y = 2 ईटा 1 + सिग्मा, तो इससे आप सॉल्व कर लीजिए, सिग्मा का जो मान आ रहा होगा वो शायद 0.2 है, डी आंसर, तो आप रख दीजिएगा क्योंकि इनमें सभी मान दिया है, और यह कंडीशन यहाँ दे दिया है कि यंग मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिवेटर, तो ये वाली वैल्यू आप रिप्लेस करके 2.4 ईटा 2 ईटा 1 प्लस ये रखकर देख सकते हैं जो आ रहा होगा वो मान आप ट्रायल कर लें। तो इसमें जो है डी है 48 का, और आपने किया भी होगा या सब लोग इसको चेक कर भी लिए होंगे।
आपने अब तक तो चूंकि ज्यादातर लोग प्रयास करते हैं कि पहले आंसर चेक कर लें कितना सही है गलत है, इसलिए यूट्यूब या अलग अलग आंसर को देखते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो होना है हो चुका है। आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखिए क्या सही होना चाहिए और उस पर कैसे प्रॉब्लम बनते हैं और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 इसमें इजी है। आप कार्नाट इंजन के लिए वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर ये दिया जाता है, तो आप ये रीड करते हैं कार्नाट इंजन रिवर्सिबल इंजन के रूल को फॉलो करता है, तो T1 by T2 ये आप रीड करते हैं ऐसे। रिवर्सिबल कार्नाट इंजन की प्रॉपर्टी से और आपको जो दिया गया है यहाँ से ये सॉल्व कर सकते हैं, और जो रिलीज होता है T1 minus T2 इसको आप सॉल्व कर लें तो इजी है, और ये मान शायद आ रहा है 60 कैलोरी, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा 60 कैलोरी। कार्नाट इंजन का बकायदे फिगर वगैरह सबको बताया गया है, ये T1 सप्लाई हो रहा है हार्ड सोर्स है, T2 ये अब्जॉर्ब हो रहा है, और ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है, ये वर्किंग है, इस तरह से बहुत सारे सिस्टम जो आप जानते हैं उनमें से रफली ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। ये सिंक है और ये हार्ड सोर्स है, इनके टेम्परेचर है, रिवर्सिबिलिटी में जो रूल है वो आपको बताया जाता है। तो ये सब लोग उम्मीद है सही किए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है थ्योरेटिकल में भी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 50 में आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को जहाँ पर थ्योरेटिकल है अगर आपको दो ऑप्शन का चांस मिल जाए तो ट्राई लेना ही चाहिए। जैसे आपके हिसाब से डीसी सोर्स प्रायः हमेशा अप्लाई करते रहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम, तो डीसी बैटरी लेकर ही आप सॉल्व करते हैं, वहाँ पर बैटरी भी बनाते हैं सर्किट ड्रा करते हैं, तो डीसी तो सबको याद रहता है, लेकिन अगर आप और भी ध्यान दें तो एसी एप्लीकेशन में भी जहाँ ब्रिज वगैरह होते हैं वहाँ पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप एलसी ब्रिज या कैपिटल ब्रिज या एंडरसन इस तरह से अलग अलग ब्रिज बनाते हैं, तो वहाँ भी तो ये एसी में भी अप्लाई होता है। तो इस तरह से इसमें 50 का C ये आंसर होगा कि किरचॉफ लॉ अप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी। अब 51 थ्योरेटिकल है, यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब शुरू हो गया, उधर कितना पॉइंट था कि दो क्वेश्चन आपको तुरंत 43 और ये 45 दोनों क्वेश्चन जलाने लायक थे, वहाँ पर भी आप आंसर चेक करते रहेंगे तब आपको कंफर्म हो पाएगा। इन दो क्वेश्चनों को आप ट्रायल किया तो 10 मिनट गया आपका, 15 मिनट ऐसे अगर चार में फंस गए तो पेपर खराब। आप इधर देखिए आपको कंटिन्यू सही मिल रहा है, आप 20 करते जाइए, तो यही है एग्जाम, बहुत अच्छे नॉलेज के बावजूद भी कुछ लोगों का रह जाता है क्योंकि वो सीक्वेंस नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है हर क्वेश्चन आ रहा है तो ट्रायल कर ही लेना चाहिए, ऐसे ही प्रॉब्लम होता है, आते ही क्वेश्चन जल्दी छोड़ दीजिए, आ रहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम 46 की बात कर रहे थे, 47 भी हो गया और 48 भी हो गया, 49 भी हो गया, तो 50 की बात हो रही थी अभी, शायद 50 भी हो गया, तो 51, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पर जो है इसको भी आप कर सकते हैं अगर थ्योरी तैयार है तो। अब आप जैसे कि जानते हैं कि द शेप ऑफ दिसाजू फिगर्स डिपेंड्स अपॉन, तो जब भी आप सुपर पोजिशन की बात करते हैं तो उनमें फेज डिफरेंस वगैरह लेकर दिखाते हैं, जैसे कि एक वेव्स आप लिखते हैं A sin ωt या Y2 = B sin ωt+5, इस तरह से आप इक्वेशन लिखते हैं, तो दो चीजें तो आपको कंफर्म है कि जब भी सुपर पोजिशन की बात होती है तो कम से कम 2 डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आप यूज करके ऐड करते हैं। तो जब भी इस तरह के इक्वेशंस आपके माइंड में है कि हम दिशाजू फिगर में पढ़े हैं, तो जो इक्वेशन नहीं भी याद है तो आप ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड अलग है, फेज भी है, फ्रिक्वेंसी सिमिलर भी हो सकती है अलग भी, क्योंकि पिछले एग्जाम में यहाँ 2 देके आपसे पूछा जा चुका है, अर्थात ये डिफरेंस भी हो सकता है, जिसमें इस तरह का आंसर आया था कि एक जैसे आकृति का उसका शेप आया था। तो इन पर जो है
क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो ये करने लायक है, अगर नहीं भी मालूम है एक से अधिक ऑप्शन है तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए जैसे दिया है 50 में, कि व्यतिकरण करने वाली तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है, टेम्पलेट्यूड अलग अलग लिखे ही तो निर्भर करेगा, आवृत्ति पर अभी मैंने बताया ओमेगा टू ओमेगा हो सकता है, निर्भर कर ही रहा है, कालांतर हमने इसमें नहीं लिखा था, लिखा था कालांतर चेंज करेंगे रिजल्टेंट वैल्यू कुछ और आ जाएगा, अर्थात ही सब पर डिपेंड करता है, तो इसमें 51 का डी हो जाएगा, सब पर डिपेंड करता है। अब आ जाइए 52, तो क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे क्वेश्चन तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको रिलेशन ऑलरेडी, क्योंकि हर चीज़ जो है सॉल्व करने के लिए नहीं है, फिजिक्स में ऐसे भी मान है या और भी सब्जेक्ट में जिनको आपको रखकर तैयार करना होता है, जैसे पायान की जो यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, पायान तो इसको हम लोग पाई में शान भी पढ़ते हैं, पायान इसमें आप सिंबॉलिक रूप देते हैं पाई में शान, ऐसे सिंबल देते हैं, तो पाई में शान की बात की जाए तो पाई में शान में आप यहाँ पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्लस माइनस और न्यूट्रल, प्लस माइनस और न्यूट्रल, ये में शान की आप चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली पायांश जो है लाइट मेसांस का पार्ट है, मेसांस हाइब्रिड भी होता है, लाइट मेसांस जो है पायान का पार्ट होता है, इस तरह से आप इसमें लाइट मेसान और इसमें हार्डियंस भी आप ले सकते हैं, लाइट हो वो पायांश का हिस्सा होता है। तो अब आपको इतना डिटेल पता हो फिर भी इसका मास लेना है, जबकि इनके मास में अलग अलग, इसका मास अलग है, इन दोनों का तो लगभग दोनों का इक्वल है, इसका मास अलग हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक कि बेसिकली इनका पहले से रटाना होगा, क्योंकि मास मेजरमेंट का तो कोई एग्जाम दे नहीं सकता है, अगर मास के बारे में है पायांश का तो ये मालूम होना चाहिए, तो मास आप पायांश में आपको एवरेज लेना पड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का इक्वल है, इसका थोड़ा कम है, तो इस तरह से इनमें से ये कम है या इनका थोड़ा डिफरेंट है तो इनकी एवरेज वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। अब मेजरमेंट में एक समस्या है, क्योंकि इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो जब आप मास जो है मेजर करते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट भी लेते हैं और एनर्जी के टर्म में भी अगर आप मेजर करते हैं तो एम की वैल्यू ई बाई सी स्क्वायर भी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है, एम ई वी पर सी स्क्वायर के टर्म में भी होता है, या और भी आप लेना चाहें जी ई वी अपॉन स्क्वायर, इस तरह से अलग अलग टर्म में इनकी वैल्यू दी जाती है, तो समस्या है कि ये भी हो सकता है, और आप केजी में भी आप मेजर करते हैं कन्वर्ट करके केजी में भी, तो कौन सी वैल्यू आपको याद है उससे आप तुलना करें, तो पहले तो उसका मान याद हो फिर उसका कंपेरिजन किस यूनिट में आपको तैयार है, तो थ्योरेटिकल जरूर है लेकिन ईजी नहीं है। यहाँ से हम कैसे मास आप पायान का एक एवरेज वैल्यू आपको इसमें रिटेन कर दे रहे हैं, ये एम ए बी बाई सी स्क्वायर में लिख दे रहे हैं, तो ये लगभग है आपको जो दिया जा रहा है 135.5 एम ई बी बाई सी स्क्वायर, ये एवरेज वैल्यू लिखे हैं, इसका ज़्यादा है इसका कम है, दोनों का एवरेज, और उसमें भी हमने लगभग लिया है क्योंकि करेक्ट के लिए काफ़ी डिजिट है, बहुत ज़्यादा 3-4 डिजिट आगे लिया है तो उनको हटा दिया गया है, जैसे कि 139.570 आगे भी है नंबर, या 1.782662 × 10³, इस तरह की डिजिट आप नहीं याद कर पाएंगे, तो ये लगभग में देकर एवरेज वैल्यू इसका ट्रायल लिया गया है, और इस तरह से जब आप इसका कन्वर्जन कर लेते हैं पायान का है ये, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आप इसी टर्म में शो करेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब इस टर्म में आप यूज करते हैं तो उसका मान है 1.7826 आगे है, तो इसको या तो फ्री कर दें या इसको भी आगे लेफ्ट कर दें, या है और इसको एमएबी में कन्वर्ट करना है, ये केजी के टर्म में दिया गया है और इसका भी केजी में कन्वर्जन आना चाहिए, जैसे ये है × 10³−30, तो आप इसको केजी में तो इतना लिखते हैं 9.1 × 10³−31 केजी, ये है,
ये कन्वर्जन एम ए बी का है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कन्वर्जन ये एम ए बी का है, 1 MeV पर सी स्क्वायर का कन्वर्जन हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो केजी में ये कन्वर्जन आ रहा है इसका। तो इस तरह से ये कन्वर्जन है, तो आपको इसका भी केजी में कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि आपने इसको केजी में लिया, केजी में इसका भी चाहिए। तो इसका कन्वर्जन केजी में आप उसको मल्टीप्लाई करके 1 MeV का दे सकते हैं जैसे, और इनका रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 MeV का अभी हमने बताया कि कन्वर्जन आना चाहिए, तो 1 MeV अपॉन सी स्क्वायर का केजी में कन्वर्जन कितना है वो आपको आना चाहिए, जैसे 1.78 7826 इस तरह से × 10⁻³⁻³० kg है। और इलेक्ट्रॉन का अगर आप चाहें तो, अगर ये तैयार कर लिए तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट तैयार कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10⁻³⁻³० यहाँ से, तो इसको भी 30 में कन्वर्ट कर लीजिए केजी, तो पॉइंट लेकर इसको भी उसमें रख सकते हैं 30 में। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का हो गया और ये हो गया पाई मेसान का हो गया, ये सामने है ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो इनको डिवाइड करके, ये तो 1 का है जबकि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था 1.355 का ऐसे केजी, अब इनका डिवाइड कर सकते हैं। केजी में ये भी आ जाएगा, इसका यहाँ पर लिखना होगा, ये केजी में ये भी आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का भी है। अब ये रेशियो लेंगे तो आपको जो आ रहा है ये 270 के आसपास आ रहा है, हम जो डिवाइड किए थे 268 या 9, तो इसको 270, क्योंकि वैल्यू सब लगभग लिखी गई है, तो 270, तो ये आपका 270 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में प्रॉब्लम होंगे, या तो पहले से मालूम है या तो आपको छोड़ना होगा। तो इन पर क्वेश्चन में हर पार्ट का एक ऐसा होता है कि जिसका हिस्सा आपको पहले से आना चाहिए, नहीं तैयार है तो आपको लेट करना होगा। जैसे कि MeV/c², ये अगर मालूम है तब कीजिए, कि पायान का मास इसके टर्म में है और ये इसका मल्टीप्लाई करके कन्वर्जन केजी में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का केजी में जानना है डिवाइड कर दीजिए। तो जिन लोगों को ये मास का फैक्टर मालूम होगा उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ दो स्टेप में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी उसमें MeV/c² में लिख सकते हैं और सीधे डिवाइड कर दें, या MeV/c² को केजी में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दें, तो ये 270 के आसपास आ रहा है। तो ये है 52 का ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, तो इसमें आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बीइंग यूज इन इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग, तो ध्यान दीजिए कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि इम्पीडेंस मैचिंग होता क्या है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम कोई ट्रांजिस्टर डिजाइन करते हैं, वो चाहे कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर या कॉमन एमिटर के लिए, तो उसमें इनपुट और आउटपुट कम्बिनेशन का एक सर्किट ड्रा करके देखते हैं। तो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो मैक्सिमम पावर को सप्लाई कर सके, अर्थात पावर लॉस को मिनिमम, मैक्सिमम पावर को सप्लाई कर सके, तो वही मैचिंग शब्द दिया गया। इम्पीडेंस तो जानते ही, प्रतिबाधा या परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो इस तरह से अगर हम कोई सिंबल दें कि हमारा ये इनपुट का कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आउटपुट का कोई रेजिस्टेंस है इस तरह से, क्योंकि इनपुट आउटपुट में फिल्टर वगैरह आपने सुना है कि एसी दिए हैं तो फिल्टर की भी आवश्यकता होती है, हालांकि फिल्टर पर भी क्वेश्चन पूछा है, 5 फिल्टर, तो आप यहाँ फिल्टर वगैरह लगा के भी सर्किट दिखा सकते हैं, जैसे आपने कोई एक फिल्टर सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ऐसे कोई फिल्टर सर्किट ड्रॉ करके और यहाँ लोड रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर दिया, ये लोड रेजिस्टेंस है और ये इनपुट रेजिस्टेंस है LC, चाहे तो आप 5 फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट, ये आउटपुट है, चाहे तो आर नॉट आप देखिए लोड रेजिस्टेंस को, तो इनपुट और आउटपुट की मैचिंग मिल जाती है। तो जो कि पावर गेन आप पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर में, तो यहाँ पर पावर गेन का कोई सिंबल ले लीजिए, पावर गेन,
पावर गेन ऐसे लिख भी दे रहे हैं, पावर गेन, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। जब पावर गेन करते हैं तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर का आता है, तो यहाँ पर करंट गेन को लिखिए पूरा, या ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, यहाँ पर नाम आ गया रेजिस्टेंस गेन। ये देखिए, तो रेजिस्टेंस गेन जो है ये मैचिंग नंबर से, इम्पीडेंस मैचिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब रेजिस्टेंस गेन की बात होती है तो उसमें आउटपुट रेजिस्टेंस के जितने भी फैक्टर हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट ये होता है। तो हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि इनका रेशियो इस तरह से हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो जो ये इम्पीडेंस है वो मैचिंग इम्पीडेंस कहलाता है। तो मैचिंग इम्पीडेंस डिफाइन रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस पावर ट्रांजिस्टर बाय सर्किट वेयर मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर टू द गिवन सर्किट। तो इस तरह से हम प्रयास करेंगे कि एक ऐसा सर्किट आप देखें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। हालांकि मैचिंग में रेजिस्टेंस के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, तो मैचिंग में रेजिस्टेंस के बारे में जब इफिशियंसी वगैरह आप निकालते हैं तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट, तो उसमें इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इस तरह की बात आती है, और यहाँ पर जो आती है आउटपुट करेंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस ये। तो इसको मैक्सिमम के लिए हम लोग ये इक्वल कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं कि मैचिंग इम्पीडेंस में मैक्सिमम पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग इनपुट और आउटपुट जो लोड है यहाँ पर इक्वल करके सॉल्व करते हैं ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी देता हो, या पावर गेन है वो मैक्सिमम देता हो। इसकी यहाँ कोई बात आपसे पूछी नहीं गई है, कोई चर्चा भी नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि मैक्सिमम इम्पीडेंस में हम कौन सा बायसिंग लेंगे। तो आप वो बायसिंग लीजिए जिसमें पावर सप्लाई मैक्सिमम हो, तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो आप जानते हैं कि जब आप ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर की सर्किट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये बेस हो गया, ये एमिटर हो गया, और यहाँ कलेक्टर हो गया, ऐसे इधर आप लोड देते हैं और ये इनपुट की बात इधर रखते हैं, तो जो इनपुट करंट है वो काफ़ी कम होता है कलेक्टर करंट से। और जब आप गेन की बात सॉल्व करते हैं तो उसमें आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट लगभग जो है आई ई के ही इक्वल रहता है, थोड़ा बहुत लॉस होता है, अर्थात बीटा का मान 1 से ज़्यादा होता है। जबकि अल्फा आप सॉल्व करते हैं इस सर्किट के लिए ऐसे कॉमन बेस के लिए, तो इनपुट आपका इमिटर में हो गया, आउटपुट कलेक्टर में हो गया, ये बेस है, तब आप जो लिखते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये वैल्यू 1 से थोड़ा कम आ जाती है, क्योंकि वैल्यू कम है तो लेस देन बाई 1 आ जाता है, जिसमें पावर गेन कम इसमें पावर गेन ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे सर्किट को आप लेंगे जिसमें कि पावर गेन ज़्यादा शो किया जाए। इसी तरह से कलेक्टर को भी चेक करेंगे तो इससे पावर गेन कम ही होगा, अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो आप कलेक्टर पर टिक कर दीजिएगा, उसको भी आपको चेक करना होगा कि पावर गेन क्या ज़्यादा आएगा या कम। तो गामा जब आप लेते हैं तो उसमें गामा में जैसे कि कॉमन कलेक्टर आपने बना दिया यहाँ पर, और एमिटर को आपने इधर रख दिया, तो इस तरह से ये कॉमन कलेक्टर हो गया, तो यहाँ पर जो है आई ई अपॉन आई बी, तो देखेंगे तो ये और ज़्यादा गेन हो गया, क्योंकि आई सी जो था वहाँ पर आपने कहा था कि आई ई से ये लगभग थोड़ा कम होता है, अगर आपने बराबर किया तो वो वैसे तो देखेंगे तो यहाँ पर अगर आई बी सिमिलर है, आई ज़्यादा है, तो गामा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा हो गई। लेकिन कॉमन कलेक्टर की बायसिंग जो है थोड़ा सा सर्किट डिज़ाइन से लीकेज इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें पावर गेन इतना ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कॉमन एमिटर की, क्योंकि देखने से तो ये आ रहा है लेकिन आपको कॉमन एमिटर से पावर गेन ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, और भी रीजन होते हैं साथ में उसके। तो इसको जो है आप भी टिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चंस
करने चाहिए जिनमें कि बहुत ज़्यादा पहले टाइम लॉस ना हो। जैसे ये देखिए 54 बहुत ही इजी है, डायरेक्टली करना चाहिए कि एक भौतिक राशि संरचित होती है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत। तो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कंजर्व संरचित रहती है। तो सेंट्रल फोर्स में जब आप पढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगर कोई पार्टिकल गुरुत्व बल के अंतर्गत गति करती है तो वो किसी भी बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा उसके नियत रहती है। कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे यहाँ से ड्रॉप किए हैं यहाँ पर ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए, तो यहाँ पर कुल ऊर्जा जो है आप MgH के बराबर अगर दिखा रहे हैं, डी पर ऊर्जा आप सॉल्व करते हैं तो उसमें जैसे काइनेटिक भी आप लिखते हैं और प्लस Mg, अब एच में से कोई माइनस जितना भी आप नीचे दिखा सकें एच में से, ये तो टोटल एच में से वाई, तो इस तरह से काइनेटिक पोटेंशियल। लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो इसका भी मान इसी के बराबर आप बताते हैं, डी पर, ये ए पर, या यहाँ सी पर आप लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप कहते हैं कि चाहे ए पर हो या बी पर हो या सी पर हो, कुल ऊर्जा कॉन्स्टेंट है, जबकि ये मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो संपूर्ण ऊर्जा इसके नियत होगी, तो आप इसमें डी कर सकते हैं। हाँ, अलग से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसमें वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स फॉर एनी क्लोज पाथ टू जीरो होता है, तो वहाँ फोर्स कांस्टेंट भी होता है। तो सेंट्रल फोर्स में अप्लाइड फोर्स को आप कांस्टेंट लेकर चल सकते हैं, ये अलग से कभी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्क डन बाय एनी साइक्लिक प्रोसेस फॉर सेंट्रल फोर्स इज जीरो, दैट मीन्स यू हैव टू इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर एफ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेकर ही सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ठीक हैं, आप सही किए भी होंगे और इजी भी था। अब देखिए हम यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं इस पेपर में लगभग 63 या जो भी है काफ़ी इजी है। तो भाई देखिए जो सीरीज सी लिया होगा अगर वो 54 से करे तो 70-80 तक हमने देखा, फिर 40 में दो चार क्वेश्चन छोड़ देगी तो बिल्कुल करने लायक है क्वेश्चन। ये सेट ऐसा लग रहा है कि आप 54 से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख भी सकते हैं कि 54 ठीक था, आप क्वेश्चन नंबर 55 भी दे सकते हैं, जबकि इस सेट की शुरू में ही बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा था जो कि लेंदी हो जाता है, आप क्वेश्चन में फंसेंगे तो टाइम कम मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कि सिंक का ताप होगा, तो आप जानते हैं कि इंजन की दक्षता की पदों में 1-T2/T1, ये जो है हार्ड सोर्स का है और ये कोल्ड का है या सिंक का है, यहाँ दे रखा है। तो अब डायरेक्ट आप सॉल्व करके मान निकाल लेंगे तो इसमें ये दिया हुआ 25% और 1-T2 to 3 to 7+273, ये T2 हो गया, T1 आप केल्विन में सॉल्व कर लीजिएगा और उसको सेपरेट करके जो भी मान आए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मान आ गया 3, वहाँ 273 माइनस करके आंसर डिग्री सेल्सियस में बता दीजिए। तो आंसर इसका जो आ रहा है वो है 177 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें होगा सी, इसमें आंसर सी होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को जिनमें कि आप सॉल्व कर सकते थे, देखिए 54 भी ठीक था, 55 भी, 56 भी सही है, क्वेश्चन नंबर 56 ये भी सही है करा की, और ये आप पहले भी इजीली रीड कर चुके होंगे। यहाँ पर ध्रुवण कोण पर जो है प्रकाश आपतित किया गया है, यहाँ पढ़े हैं, तो यहाँ से परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर जो है 90 डिग्री का होता है, तो 5/2, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, सबका सही होगा 57 का सी। तो ऐसे क्वेश्चंस ठीक है, देखिए आपको मिला 54, 55, 56, 57। अब आप देख सकते हैं 57 देख लीजिए 50, अच्छा अभी हम एक आगे पढ़ गए, ये 56 था, तो 56 का ये बी है, 56 का बी है, ये क्वेश्चन हमने आगे रीड कर दिया था, तो 56 का बी होगा। और 57 का देख लीजिए,
57, इसमें प्रत्यावर्ती परिपथ में वाल्ट, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा वाल्टहीन है यदि धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर है। तो इसमें वाल्टलेस करंट पासिंग थ्रू सर्किट में फेज डिफरेंस, तो यहाँ पर जानते हैं कि जो एवरेज पावर सप्लाई थ्रू सर्किट, तो आप पढ़ते हैं डी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई आपका पावर फैक्टर कहा जाता है, कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। ये 0 है तो फाई आपका 90 है या पाई बाई 2 है। जब ये 0 कर देंगे तो एवरेज पावर लॉस इन 0 है। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित करते समय, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित करते समय, धारा प्रवाहित करते समय औसत सर्किट साइज शून्य होती है, उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। तो यहाँ पर वाटहीन धारा के लिए कालांतर का मान पाई बाई 2, तो इसका आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 57 का सी। तो आपने सही किया होगा। अभी तक देख रहे हैं इसमें जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली करने के लिए, और आपको ये 53 के बाद से मिला है जो डायरेक्ट आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कि बाई चांस कब आपको कहाँ से मिले और क्या आप सोच रहे हैं। 58 जो है हम रीड कर दे रहे हैं, द बेस्ट फिल्टर यूज इन ए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में बेस्ट फिल्टर यूज किया जाता है, तो पाई फिल्टर बेस्ट होता है। यहाँ पर पाई फिल्टर में जो बना है, याद करने का तरीका, पाई शेप में होना चाहिए ऐसे। देखिए ये पाई शेप है ऐसे, ये तो एक कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा दीजिए और एक इंडक्टर यहाँ लगा दीजिए और एक कैपेसिटर यहाँ लगा दीजिए ऐसे। और इसमें आप ये करते हैं इधर से, ये डीसी इनपुट करते हैं जिसमें एसी डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं कंपोनेंट आप एसी एंड डीसी ये, और ये आउटपुट होता है जो रेक्टिफायर सर्किट से आप प्राप्त करते हैं। इस तरह से आगे चाहें तो आप कोई लोड भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये लोड रेजिस्टेंस, इसको पाई फिल्टर कहा जाता है। और ये जब आगे प्राप्त होता है तो लगभग जो है इसमें डीसी करंट कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे देखें आपको 59 भी बहुत इजी मिला है। तो हमने पूरे पेपर में देखा है कि 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप लगभग प्रयास करें तो वो 40 मिनट में हो सकते थे। तो आपका टाइम बचा और आप बाकी समय में सॉल्व करके देखिए। जैसे 59 है, इसको भी तो आप सीधे टिक कर सकते हैं कि प्रत्येक अंक आयतन में संचित प्रत्याशित स्थिति जो जाए, तो पर यूनिट वैल्यूम जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर आप लिखते हैं, या इसको हटाकर जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर है, तो एक पावर आप कैंसिल कर देंगे, स्ट्रेन का स्क्वायर एक पावर कैंसिल, तो ये स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये तो याद रहना चाहिए, हम तो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं, बाकी वर्क डन से आप सॉल्व करके जाते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, शायद सी है, तो सी आप भी कर लीजिए। तो यहाँ आपको और भी हम क्वेश्चन पूरा जब सॉल्व कर लेंगे तो बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चनों को अलग करना चाहिए था और किस तरह से हम कहते हैं कि पेपर ठीक है, आप अगर प्रयास किए हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। सामने अब आ रहे हैं क्वेश्चन आपके, देख रहे हैं 54 से शुरू है और लगातार ये चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, तो न्यूमेरिकल अपर्चर या फिर माइक्रोस्कोप, ये थ्योरेटिकल है, बहुत ही अच्छा है, आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका कोई डायमीटर आप ले लीजिए, इसको आप भी लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ये। तो इसका जो अपर्चर है या जो इसकी साइज है, वो इस तरह रखा जाता है कि अधिक से अधिक प्रकाश को फोकस सेंट्रलाइज किया जा सके ऐसे, और या ब्राइट इमेजेस प्राप्त किया जा सके चमकीला। माइक्रोस्कोप में चूंकि प्रयास होता है कि ऑब्जेक्ट पास में है उसका क्लियर इमेज और ब्राइट प्राप्त हो, लेकिन अगर इंफ्रारेड से आ रहा है तो इसको लार्ज रखने का प्रयास किया जाता है।
और अगर माइक्रोस्कोप है तो इसका लोवेस्ट, जिससे कि ये एक पॉइंट पर फोकस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से इसमें बताया जाता है कि सूक्ष्मदर्शी का ये जो न्यूमेरिकल अपर्चर है, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर, इसकी क्या रोल है, क्या भूमिका है। जब आप फॉर्मूला लिखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर का, तो उसमें ये मान दिया जाता है न्यू साइन थीटा, ये दिया जाता है। न्यूमेरिकल अपर्चर की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी थीटा के मैक्सिमम के लिए होगी। जैसे आपने ग्लास यूज किया है, इधर ये ले लीजिए, और ग्लास के लिए अगर आप 1.5 ले रहे हैं, तो 1.5 sin 90, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है न्यूमेरिकल अपर्चर की। मैक्सिमम वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एक्सपेरिमेंटल प्राप्त होती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आता है, इग्निशन वगैरह, तो ये प्राप्त नहीं होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू है ये न्यूमेरिकल अपर्चर की, लेकिन प्राप्त नहीं होता है। अगर कहीं पूछता है तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, एक्सपेरिमेंटल नहीं प्राप्त होता है, ये अंतर है। एक्सपेरिमेंटल जो आप ज्यादा ज्यादा थीटा जो यूज कर सकते हैं वो 67 पॉइंट कुछ होता है। यहाँ पर अगर वैल्यू लिखे तो आपको बता दे रहे हैं, शायद लिखे हों 67.5 है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्राप्त होती है। और जो स्टार्टिंग है वो 42 डिग्री है, अर्थात इससे पहले आपको ये न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू विजिबिलिटी के लिए प्राप्त नहीं होगी। इससे कम है तो दृश्यता नहीं हो पाएगी, विजिबिलिटी बहुत कम होगी। तो ये लिमिट था 42 से ये, और बाकी केवल मैथमेटिकल है कि मैक्सिमम के लिए 90 ले सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल नहीं। फिलहाल ये चीजें तो आपसे पूछा ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला था इसको उन्होंने आई दे रखा है, न्यू साइन आई। हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है और किस तरह से उसका बिहेवियर यूज किया जा रहा है। तो इसमें आंसर जो है बी है, न्यू साइन आई लिखा है बी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है मिले हैं, इधर जो भी जानते हैं वहाँ पे कर दीजिए, तुरंत आंसर उसके आ जाएंगे। ऐसे 61 है। अब इन क्वेश्चनों को तो अगर आप गलत करते हैं तो फिर तो आप बाहर रहेंगे एग्जाम से, क्योंकि तो जो सीरीज 54 से शुरू किए हैं लगातार आपका इधर आना चाहिए। मान लीजिए कार्ड अगर फिर तो नहीं तैयार है तो आप लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ओ और ई तरंगों के बाद आर्ध तरंग प्लेट का कालांतर, अ हाफ वे प्लेट प्रोड्यूसेज द फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ई रेज। तो आप ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जब गेट करते हैं पी म्यू ई माइनस म्यू ओ, या इसका रिवर्स भी आप लेते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें ये पाथ डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है, पाथ डिफरेंस। और इसमें आप लेमडा बाई टू या लेमडा बाई फोर, हाफ वे प्लेट या क्वार्टर वे प्लेट का यूज करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है, इनमें से टी मेजर करिए कितना होगा, क्या होगा, यहाँ क्या पूछा है देख लीजिएगा। इसमें से फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस आप जानते ही है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो बिना सॉल्व किए ही आप ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मालूम है, ये लैम्डा बाई टू दिया ही है, तो ये पाई होगा। तो इसमें आंसर 61 का सी होगा, और आपसे उम्मीद है सॉल्व किया होगा। तो 62, अब हम जो है टाइम, जैसा कि बताए थे कि बहुत लेंथी बड़ा हम तो वीडियो लार्ज नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन सहित करिए, टाइम लगेगा, आप तो पेपर दे चुके हैं और अच्छी तरह से समझें, तो हो सकता है इसमें 63 तक क्लोज कर दें, तो आगे आपको फिर शाम तक हम एक वीडियो जारी कर देंगे, तो वो 100 के आसपास पहुंच जाएगा, कल आपका 125 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें कोई इधर होगा तो हम बाद में चेक करेंगे। कभी कभी होता है कि ठीक है अपना एनालिसिस हुआ, या जो पॉइंट है जो नहीं कर पा रहे हैं किताब से देखा लिख दिया, लेकिन कभी कभी होता है कि एनालिसिस के अनुसार आप बुक्स में ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपका एनालिसिस गलत है तो आंसर भी गलत आएगा। तो ऐसा अभी हमें कोई ऐसा लगा नहीं है, लेकिन कहीं पर बाद में चेक किया जाता है, सबको मिलाया जाता है, तो कभी कोई इधर आता है तो वो भी हम जरूर लागू कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर जो है दो निकाल फ्रिज में एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे रख दीजिए एक ऐसे, देखिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, एक दूसरे से लंबवत हो जाएंगे। इसमें ऐसे ले लीजिए, ये ऐसे जाए, इसका ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गए।
अब कह रहा है उनमें से किसी एक को 30 पर घुमा दीजिए, तो आप इसी को घुमा दीजिए, इसको सीधा रहने दीजिए। जब आप यहाँ से इसको 30 पर घुमा रहे हैं तो ये कोई न्यू पोजीशन आ जाएगा ऐसे, आपने इसको ऐसे रख दिया ये 30 पर, यहाँ से 30 घुमाए हैं, ध्यान रखिए इस लाइन को आप नीचे ऐसे, तो ये 30 दिखा सकते हैं ये, या इधर से हॉरिजॉन्टल से ये 30 आप दिखा सकते हैं। ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस वैसे ही है, इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ किया, तो आपने इसको 30 पर घुमा दिया, तो यहाँ से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, इसमें तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आई नॉट है, तो यहाँ पर एवरेज जो है आई नॉट बाई टू होता है यहाँ से। अब इसके बाद ये रिलेशन इसके साथ लिया जाता है, तो आप लिखते हैं आई इक्वल टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर फाई। हाई एंगल जो है इसके, ये जो पोलाइजर है इसके ऑप्टिकल एक्सिस से लिया जाता है, तो पोलाइजर के ऑप्टिकल एक्सिस के पहले लिए है, और यहाँ से ये एंगल ये लेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, तो 560 है, तो 1/2 आई नॉट, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60, तो ये 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/2 का रेस है आई नॉट माई एक्स। तो इस तरह से आप ये 1/8 इंटू 100 परसेंट ये ज्ञात कर सकते हैं। जो भी आंसर दिया हो आप देख कर टिक कर लीजिएगा या कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ से 63, ये शायद आंसर इसमें जो सॉल्व किए डी दिया है, जो 62 का भी जो सॉल्व हुआ डी दिया है, तो 63 देख लीजिए और फिर इसको हम क्लोज करेंगे। इधर आप देख रहे होंगे कि जब से ये 54 शुरू किए हैं, इनके जो पार्ट्स हैं ये हैं, और ऐसे काउंट करते जाइए, तो हमने जो काउंट किया है आपको बता दे दें, ये 87 तक जाते समय 3 या 4 क्वेश्चन हैं जिनको आप लिफ्ट कर सकते थे, अर्थात यहीं से 54 से इस सेट में आपको 40 क्वेश्चन 45 हैं जो डायरेक्ट आप कम समय में, और टोटल ले लीजिए तो 50 क्वेश्चन है डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 63, जैसे कि यहाँ पर वांडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस टू टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, तो इनको तो तैयार करना होता है, आप कह सकते हैं कि नहीं आते तो तब है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वैल्यू तो आपसे उम्मीद की जाती है, क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, बाहर टेम्परेचर, इस तरह के मान आपको ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम कोई लो लेवल का एग्जाम तो है नहीं। तो यहाँ से 2A/RV, अब एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि यहाँ कूलिंग इफेक्ट कब होगा, हीटिंग इफेक्ट कब होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऑलरेडी आप इस तरह से भी तैयार रखिएगा कि जो टेम्परेचर सिस्टम का इससे कम है या ज़्यादा है, तो कब ये कूलिंग और कब ये हीटिंग इफेक्ट देता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या जैसे आपने टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पढ़ा, तो बाहर टेम्परेचर का इसका क्या रिलेशन है, क्रिटिकल टेम्परेचर से इसका क्या रिलेशन, इनकी वैल्यू एकदम तैयार होना चाहिए, रटा होना चाहिए, तब आपको बेनिफिट मिलता है एग्जाम में, तो यहाँ पर ये डी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व करें, और 64 का भी ऐसे ही है, जिनमें कि आप वैल्यू दे दो के एक्सिस पर अगर आप निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, तो या एक्सिस से किसी कोण पर पूछा है, तो पी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, तो इस तरह का कोई दो दो होता है, और आप यहाँ से किसी कोण पर ये माइनस क्यू प्लस क्यू आप ये याद करना चाह रहे हैं वैद्युत विभव, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा पोटेंशियल में आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक वाले में आर क्यूब होता है, यहाँ पर टोटल लिखना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कोई आगे पॉइंट है जो इससे आर डिस्टेंस पर है। स्टॉप करते हैं, सॉल्व करिए, और जिनका पेपर मान लीजिए कम है तो वो ध्यान दें कि कहाँ से गलती हुई है और कैसे पेपरों को स्टार्ट करना चाहिए, सबको देखते जाइए, और जैसे ही कोई एक क्वेश्चन लगे कि आपको आता है तुरंत उसको ठीक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते जाइए, वो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, शुरुआत हमेशा ऐसा हो जो बिल्कुल कंफर्म हो वैसे शुरू करें।
तो आज हम ये लेक्चर क्लोज कर रहे हैं, फिर आपको ये जो आज आपको एडमिट टाइम प्राप्त हो जाएगा।